बता दूं। भैया के पास आए के बैठ गई और उनकी भाभी लगी काम से। अब देखो बहन जी बोली, भैया जब हम घर पे रहती थी तो तुम्हारी देख रेख खूब रखती थी, खूब खाना पानी की व्यवस्था रखती, और जब से हम जब घर से गई तुम्हारी तो हड्डी हड्डी दिखाते। ध्यान देना, और जो जो कई भैया तुम्हारी हड्डी हड्डी दिखाते, और उनकी भाभी ने सुन ली, भाभी बोली ए सो तो पता तुम्हारे बड़े हाथी धरे। लड़ाई चालू, लड़ाई चालू, ध्यान देना, लड़ाई शुरू हो गई। भैया तुम्हें का मतलब है, दूसरे के घर पे आई, रक्षाबंधन को आओ, भैया द्वज पे आओ, राखी बांधो, द्वज खवाओ, धोती ले लंबी हो। और बताओ ये बहने बहने कौन है, सब तुम ही होती, तुम ही सर्प जानते हो, जिसके दो मुंह होते हैं। ऐसे ही हमारी बहनाओं के भी दो मुंह होता, एक मुंह होते ना को मायके की तरफ, एक हो तो ससुराल की तरफ। जब मायके में आए जाए, मायके में अम्मा हमारी गैया खड़ी हो ये लगे भी को, ध्यान देना, बड़ी चिंता रहती, हमारी बहन से काऊ पे मिलते ना है, चिंता लगी। और जो ससुराल में पहुंचना है तब फोन लगाइए, अम्मा तो दो बातें कर ले, ध्यान देना, तो मुंह होगी ना। और सच में देखा जाए तो इन्हें खूब बच्चों खवा, खूब बच्चों पहना, जब इनकी बेदा हो तो गाड़ी से 10-15-20 फुट दूर रहो, बेदा के टाइम गाड़ी से 10-15-20 फुट दूर रहो। आप लोग सोच रहे हो क्यों, क्यों आप लोग सोच रहे हो ऐसा क्यों, ये बात सच है। बताओ बेटा के टाइम बहन जी जब रोती है तो गाड़ी में को बैठाते हो, क्या भाई बिठालता है कि मामा बिठाल देता है ना। और जब बहन जी रोई और घर से जैसे भैया ने गोद में उठाओ और भैया ने गाड़ी में बैठा रहे को गोद में लाओ और बहन जी को गोद में लाओ, एक पैर उनको गाड़ी में, एक पैर जमीन पे और हाथ भैया की गर्दन में, और जैसे ही भैया ने पीछे को मौ करो बहन जी को गाड़ी में बैठा के बहन जी बोली भैया, ऐसे चिपटती भगवान अब कजे जिंदा रहे। और को भैया को पतरो वालो कुर्ता बहो तो बहन जी के हाथ में चूल्हे वालो पुतना बन जाए, ऐसे रोती भगवान अब कजे जिंदा रहे ना। और मैं सच बताऊं जे रोती कौना है, दिखावटी, सब दिखावटी। अब बात आ गई है तो हम 2 मिनट लेंगे। कितनी वो रोती हो है?